हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले मेडिकल यूनिवर्सिटी सोफी और एमयू डॉन्स के बीच में होने वाले आज के दूसरे मुकाबले की। ईसीएस टीटन बल्गेरिया का ये दूसरा मुकाबला है। यहाँ पर ये दोनों की दोनों टीम्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म करके देंगे क्योंकि दोनों ही टीम्स की अभी तक परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। आपको स्टैंड आउट प्लेयर दिख जाएंगे, एक आधे दो प्लेयर ऐसे हैं कि भैया आप रिस्क लेकर ड्रॉप कर सकते हो, शायद वो रिस्क आपके लिए बढ़िया रह जाए। वो अभी मैं सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आपको बता दूंगा। अभी सबसे पहले हम मैच की डिटेल की डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेंगे। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको जुड़ना है। अभी के लिए हम यहाँ पर डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो एमयू डॉन्स की अगर आप बात करो, सिर्फ और सिर्फ दो मुकाबले अपने हारे हैं और सारे के सारे मुकाबले जीत कर आ रहे हैं। पांच मुकाबले इन्हें अपने जीते हैं, दो हारे हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्म अभी तक करा है। पिछले मुकाबले में एस हुसैन ने 102 रन मारे थे और किरण दसन ने 66 रन मारे थे। पर यहाँ पर आप देखो, सामने वाली टीम बहुत बढ़िया है। हो सकता है सैम हुसैन ना चले, हो सकता है सैम हुसैन आज के मैच में इतना बढ़िया ना परफॉर्म करे, और ऐसा भी हो सकता है किरण दसन भी, मतलब इन तीनों में से कोई एक फ्लॉप तो आपको देखने को मिलेगा ही। वो कौन सा फ्लॉप है मेरे हिसाब से सैम हुसैन, आपके हिसाब से कौन सा है वो आप देख लो, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि किरण दर्शन शायद चल जाए इस मैच में, पर सैम हुसैन शायद ना चले। अब भी कुछ कह नहीं सकता हूँ, पूरी 100% तो नहीं, पर हाँ कुछ चांसेस के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर आप देखो, तीसरा मैच जब हुआ था तब इसने 11 रन मारे, फिर उसके बाद जो है इसने 16 रन मारे, तो वो देख के चलना है आपको कि भैया बॉलिंग, मतलब विकेट इसकी भी गिर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको हो सकता है कि ये प्लेयर ना चलता हो। देखिए किरण दसन 28 रन के साथ एक विकेट, 79 रन, 11 रन, 44 रन, 46 रन, 18 रन और 66 रन। सैम हुसैन 25 रन, 7 रन, 11 रन, 67, 16, 46, पिछले दो मुकाबलों में बहुत बढ़िया फॉर्म में है ये अभी। अब यहाँ पर एस अली की अगर मैं बात करूँ, 8 रन के साथ एक विकेट, 49 रन, 0 रन के साथ एक विकेट, 31 रन और एक विकेट, फिर उसके बाद असद अली आपके पास है। यहाँ पर इसने परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया करी है, बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप में बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देगा। यहाँ पर अगर आप बात करो, जैड आसिफ आपके पास है, टी सुरेश आपके पास है, ये प्लेयर इतना बढ़िया कुछ परफॉर्म करने नहीं वाले। यहाँ पर आपको रोहन पटेल ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करता दिखेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, दोनों ही टीम्स के बैट्समैन बहुत बढ़िया हैं, तो दोनों ही टीम्स के बैट्समैन रख लो। बॉलिंग मुझे नहीं लगता दोनों टीम्स की इतनी बढ़िया रहने वाली है, पर बैट्समैन आपको ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं एस अली भी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं सुसैन भी नहीं छोड़ रहा हूँ और किरण दसन भी नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं तीनों प्लेयर नहीं छोड़ूंगा इस टीम में से। असद अली एक ऐसा प्लेयर जो मैं लेकर जाऊँगा अपनी टीम में, ये प्लेयर आपको बॉलिंग करवा के बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है। और इसके अलावा तो देखो कोई है नहीं, रोहन पटेल अगर एक आधा ओवर करवा जाता है, पिछले दो मैचेस में इसने दो ओवर कंप्लीट क्यों करवाए हैं, क्योंकि सामने वाली टीम इतनी बढ़िया नहीं थी, एक टस्कर की थी एक बारबेरियन की थी, तो सामने वाली टीम इतनी बढ़िया नहीं थी। अब एमयूएस की टीम है तो आप मान के चलो रोहन पटेल को भी रन पड़ने वाले हैं, और यहाँ पर असद अली जैसा प्लेयर आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है। एमयू डॉन्स की अगर आप बात करो, यहाँ पर हर एक प्लेयर के आप स्टैट देख सकते हो, हर एक प्लेयर के स्टैट्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर अब मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो इनने भी सिर्फ और सिर्फ दो ही मैच हारे हैं। विपिन गतरपुर इनका एक बहुत बढ़िया प्लेयर जो विकेट भी चटकाता है, फिर उसके बाद एन ओलिविया एक ऐसा प्लेयर जो आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है। आईडी सिल्वा आपके पास है, के डिसूजा मुझे लगता है आज के मैच में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करके जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि भैया के डी सूजा की बैटिंग आएगी, और अगर के डी सूजा की बैटिंग आती है तो ये आपको बढ़िया रन करके दे सकता है, आपके लिए डिफरेंशियल पिक है। अगर आप मेन टीम में भी लेकर जाना चाहो, मेन टीम में भी इसे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद एन शाह आपके पास है, ऑलराउंडिंग सेक्शन में पता नहीं आप रख पाओगे या नहीं, क्योंकि सही में बताऊँ तो वो ये, अगर आप तीनों विकेट कीपर ऑप्शन लेकर जा रहे हो तो फिर इसको रखने का कोई मतलब नहीं है, अगर नहीं लेकर जा रहे हो तब आप इसे रख सकते हो। अल्बिन जैकॉब आपके पास है, 4 विकेट इसने पिछले मुकाबले में चटकाई, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही। डी विनू आपको यहाँ पर बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट देख सकते हो, विपिन गतरपुर आपके पास है, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। एस केशवर आपके पास है जो आपको बॉलिंग करवा के देगा। के डी सूजा आपके पास है, भैया के डी सूजा बॉलिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है। डी विनू आपके पास है, और आज का एक ऐसा प्लेयर है ना के डी सूजा की, हो सकता है कि आज के मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जाए। उसके बाद एल्बिन जैकॉब आपके पास है, 4 विकेट इसने पिछले मुकाबले में चटकाई, अनशान ने 2 विकेट और यहाँ पर टी पटेल ने 1 ओवर करवाया, ये आपको देख के चलना है। यहाँ पर बॉलिंग बहुत बढ़िया चल रही है इस टीम की, पर अगर आप देखो सामने वाली टीम के बैटर्स बहुत बढ़िया हैं, तो वो ये जो बैटल है ना ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पर अभी हम डिटेल की बात कर चुके हैं, अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं।
टीम की बात करने से पहले जिन भाई ने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिन भाई ने अब तक वीडियो लाइक नहीं करी है चैनल सब्सक्राइब नहीं करा दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास एस हुसैन, एन ओलिवरी और एस अली तीनों प्लेयर बढ़िया हैं। एस अली आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग करवा के देता है, एन ओलिवरी ओपन करके दे रहा है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। एस हुसैन पिछले दो मैचेज़ में बहुत बढ़िया इसने परफॉर्म करा है, 150 प्लस रन पिछले दो मैचेज में मार चुका है। बैटिंग ऑप्शन की अगर आप बात करो के दसन, आई डी सिल्वा और उसके बाद के डी सूजा, तीनों ही प्लेयर बढ़िया हैं, तीनों ही प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए। जेड असिफ अगर आप ट्राई करना चाहो, एक डिफरेंशियल पिक आपके लिए है, ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हो अगर एक आधा विकेट ये ले जाता है। और रसूल इतना बढ़िया प्लेयर नहीं है पर आपको ग्रैंड लीग में शायद बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है। स्टालपुर आपके पास है अगर इसकी बैटिंग आई तो। फिर उसके बाद जी सिक्यूजू ये शायद नहीं खेलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये रहमतुल्ला और बी गतरपुर ये दोनों प्लेयर बढ़िया हैं। एन शाह की अगर मैं बात करूँ, एन शाह ट्राई कर सकते हो कर लो, एक प्लेयर आपको फिर वहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन में से ड्रॉप करना पड़ेगा। और अगर आप भेड़चाल वाली टीम, मतलब भेड़चाल नहीं वैसे कॉमन टीम के साथ अगर आप जाओगे तो उसमें एन शाह नहीं है, उसमें तीनों विकेट कीपर ऑप्शन है और उसके बाद यहाँ पर दो ही ऑलराउंडर ऑप्शन है। फिर उसके बाद टी पटेल आपके पास है, टी सुरेश आपके पास है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ए निक्सन आपके पास है, अगर आप ट्राई करना चाहो ए निक्सन ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर बॉलिंग सेक्शन की मैं बात करूँ ए जैकॉब, आर पटेल, के श्री कुमार वैसे खेलेगा नहीं, पता नहीं इसकी सिलेक्शन इतनी ज़्यादा है क्यों, और डी वीनू आपके पास है, मैंने अभी के लिए डी वीनू रखा है, अगर के श्री कुमार खेलता है तो मैं उसे रख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एस केशवर आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको क्रेडिट इशू आ रहे हैं, मुझे एक जगह आए थे क्रेडिट इशू तो वहाँ पर मैंने एस केशवाला पिक करा है। यहाँ पर अगर आप देखो एच यूसुफ इतना बढ़िया प्लेयर नहीं है, एक आधे मैच में ही यहाँ पर विकेट चटका के गया है। यू नवीद इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। अब इसके बाद देखो ए खान आपको बॉलिंग करवाता हुआ नहीं दिखता, और एच बाबर भी आपको अभी तक एक भी मैच में बॉलिंग करवाता हुआ नहीं दिखा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास कैप्टन वाइस कैप्टन जो पहली टीम में मैंने रखे हुए हैं, सबसे पहले पहली टीम से शुरू करते हैं, यहाँ पर के दसन एज अ कैप्टन रखे हुए हैं, वाइस कप्तान यहाँ पर एन ओलिवरिया रखे हुए हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद ना चले एस हुसैन, पर आपके देखो मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि एस हुसैन मत रखो, एस हुसैन रखो, बढ़िया प्लेयर है वो, मैं आपको बता भी दूंगा। तीसरी जो टीम है मैंने एस हुसैन के साथ ही बनाई है। फिर उसके बाद यहाँ पर एस अली रखा है, आई डी सिल्वा, के डी सूजा, एन शाह हैं, बी गतरपुर, ए रहमतुल्ला, ए जैकॉब, फिर उसके बाद एस केशवर, और यहाँ पर हमारे पास जो है डी वीनू मैंने रखा हुआ है, तो ये आप देख के चल सकते हो कि डी वीनू, आर पटेल रखा हुआ है, डी वीनू अगर आप ट्राई करना चाहो डी वीनू भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एन शाह अगर आप रखते हो तो आप डी वीनू के बहुत कम चांसेस हैं कि आप डी वीनू अपनी टीम में इंक्लूड कर पाओगे। एन शाह अगर आप नहीं रखते हो तो आप डी वीनू इंक्लूड कर पाओगे अपनी टीम में, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये वाली जो टीम है, आप अगर ये वाली टीम रिस्क लेना पसंद है आपको कि भैया चलो रिस्क ले लेते हैं, तो स्मॉल लीग में यूज़ कर सकते हो, नहीं तो स्मॉल गैंड लीग में बहुत बढ़िया है, स्मॉल गैंड लीग में आपके लिए, स्मॉल गैंड लीग में बिल्कुल सेफ टीम है और स्मॉल गैंड लीग में आपके लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे सकती है ये टीम। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दूसरी टीम की, दूसरी टीम हमारे पास जो कैप्टन है वो एस अली है, और वाइस कैप्टन यहाँ पर के दसन है, एन ओलिवरिया है, आई डी सिल्वा है, के डी सूजा, जेड असिफ, फिर उसके बाद बी गतरपुर, ए रहमतुल्ला, ए जैकॉब आपके पास है, डी वीनू है, और यहाँ पर आर पटेल आपके पास है। पूरी की पूरी टीम वाले जी एल ग्रैंड लीग की टीम है, जी एल स्पेशल टीम है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तीसरी टीम की, तो अगर आपको ज़रा भी रिस्क नहीं लेना है तो ये वाली टीम आप लेकर जा सकते हो, हेड टू हेड में, हेड टू हेड फेवरेट वाली टीम है वैसे भी। और कैप्टन वाइस कैप्टन भी अगर आप देखो, मैंने कैप्टन दसन रखा हुआ है, एस हुसैन वाइस कैप्टन रखा हुआ है, पर मोस्ट प्रोबेबली भैया मुझे जो ऐसा लग रहा है ससन शायद ना चले, और उसकी जगह जो चल सकता ना आज वो के डी सूजा चल सकता, तो अगर आप रिस्क ले सकते हो, देखो ये तो प्रिडिक्शन ही है और मुझे ऐसा, क्योंकि पीछे के मैचेस के हिसाब से मुझे ऐसा लगा है कि छः दिन ना चले, उसके ऊपर आपके ऊपर है अगर आप ऐसा करना चाहो या ना करना चाहो। सेफ जा रहे हो इसी टीम के साथ जाओ, बिल्कुल सेफ जाएगी ये टीम। यहाँ पर एन ओलिवरिया, एस अली, फिर उसके बाद आई डी सिल्वा, बी गतरपुर, फिर उसके बाद ए रहमतुल्ला, ए जैकॉब, फिर उसके बाद डी वीनू और आर पटेल, पूरी की पूरी टीम आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी हेड टू हेड में। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्की टीम भी आपको वैसे मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊंगा, पर वही है वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आप रिस्क नहीं लेना तो आप वो टीम मत लेकर जाना। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।